गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे जो आज जेल प्रहरी का एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जो आज 65 से प्लस क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, और जिसका एग्ज़ाम है आने वाले समय में उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि उनको पता चलने वाला है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो आज के एग्ज़ाम्स थे उनका मैं फर्स्ट और सेकंड शीट में जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस थे वो अभी ले लिए हैं मैंने। ठीक है, तो देखिए जीके के और जीएस के क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें हैं, तो आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन सारे के सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बता दूँ इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ रहेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा वहाँ पर टेलीग्राम की एक लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ भी मिलेगी, और बाकी जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ उतनी पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहती हैं, और बाकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें भी मिलती ही रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, आपको हेल्प ही करेगा ग्रुप, क्योंकि देखिए फालतू की चीज़ें नहीं होती, सिर्फ स्टडी रिलेटेड चीज़ें ही होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को जो आज के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए भविष्य की धातु के बारे में पूछा था, तो भविष्य की धातु हम किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। किसको कहते हैं? टाइटेनियम को। ठीक है, ल्यूकोसाइट क्या है? तो ल्यूकोसाइट का एक वाइट ब्लड सेल है, ऐसे हम हिंदी में कहते हैं श्वेत कणिका, WBC। क्या? WBC। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ग्रुप डी में जो आ रहा है वो RBC से क्वेश्चन आ रहा है, और जो जेल प्रहरी में आ रहा है वो WBC से आ रहा है। तो बता दूँ कहीं ना कहीं को रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं बोर्ड्स में, तो आप बता दूँ मैं आपको, तो आप जो है एनालिसिस देखिएगा, ग्रुप डी का भी देखिए और जेल प्रहरी का भी देखिए, तो दोनों के लिए फ़ायदा होगा अगर आपने दोनों एग्जाम भरे हैं तो। ठीक है, पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा में। कहाँ पर? देखिए पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है। क्या है? लीमा इसकी राजधानी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिट्रोन की खोज किसने की? किसने? ये पॉजिट्रोन है, पॉजिट्रोन नहीं है। पॉजिट्रोन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की। किसने की? एंडरसन। ठीक है, ओके। लाल रक्त ललित कला अकादमी क्या है? तो ललित कला अकादमी क्या है? कला का एक सम्मान, एक कला का सम्मान पुरस्कार होता है। ठीक है, क्या होता है? कला का एक सम्मानित, सम्मान करने का एक पुरस्कार होता है। ठीक है, देखते हैं श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं डॉक्टर बर्गेस कुरियन को। किसको? डॉक्टर बर्गेस कुरियन को, ये सभी लोग जानते होंगे आई होप। नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी बॉश का युद्ध क्या है? बॉडी बॉश का युद्ध किस किसके बीच में हुआ? ठीक है, तो ये किस किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चेना जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये कहाँ पर निवास करती है? आंध्र प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कहाँ पर स्थित है? मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप क्या है? तो मैंने बताया था मांजुली, और ये भी बताया था किस प्रदेश में आता है? तो ये आता है असम में। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हीटर के तार जो होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं? तो बने होते हैं नाइक्रोम से। किससे? नाइक्रोम से। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो ये है लियो टॉल्स्टॉय। क्या? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है इसलिए इसका नाम लिया गया है, और बुक्स एंड ऑथर्स में ये वाली बुक्स जो है पढ़ी हुई है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो बुक्स एंड ऑथर्स मैंने डाल रखी हैं, तो जाइए चेक कीजिए, जाके चेक कीजिएगा ग्रो जो हमारा चैनल है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी बुक्स एंड ऑथर्स लेकर, ब्रांड एम्बेसडर लेकर, और वहाँ पर जो CEO और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, टेस्ट भी मिल जाएंगे बहुत सारे, आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू उपयोग में होने वाले चीनी में कौन सा तत्व तो पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2018 फ्रेंच ओपन सिंगल के विनर कौन थे? तो सिंगल के विनर थे राफेल नडाल। क्या थे? राफेल नडाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम मुगल शासक
बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी रंगून में, और रंगून से अभी एक दो दिन पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो रंगून से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए टॉपिक वो एक उठाते हैं, एक में से इतने 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं या 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तब तक वो इस टॉपिक को खींचते रहेंगे। तो आप जो टॉपिक अभी चल रहे हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे कि अभी देखिए फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन आ रहा है, तो फ्रेंच ओपन के जितने फेमस खिलाड़ी हैं उसको देख लीजिएगा बैडमिंटन के। और जो भी अभी देखिए सिंगल में पूछा तो डबल में पूछ सकते हैं, और वुमेन सिंगल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम की परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो ये है 38, कितनी है? 38, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असम की राजधानी पूछ ली है, तो असम की राजधानी डिस्कस कर चुका हूँ, दिसपुर है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान, तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो देखिए पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ पर देखिए थोड़ी गलती हो गई, परमाणु द्रव्यमान जो है 38 ही होता है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन हटा दीजिए। ये देखते हैं क्वेश्चन अगला, स्मार्ट इंडिया मिशन के तहत अभी हाल ही में किस देश को स्मार्ट सिटी से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गुजरात को। किसको किया गया है? गुजरात को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछे थे, ऑलरेडी सीईओ के लिए बता चुका हूँ वीडियो, सत्य नडेला इसका आंसर है, सीईओ की वीडियो देख लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो नेफ्यू रियो, क्या है? नेफ्यू न्यू रियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना की राजधानी है नरसिम्हा, क्या? नरसिम सॉरी तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो तेलंगाना के राज्यपाल है नरसिम्हा राव, ठीक है। कौन है? नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? सत्यवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, अब देखिए सत्यवीर सिंह देखिए किससे हॉकी, तो हमने डिस्कस कर लिया। फीफा 2017 का संस्करण अंतिम मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं, वो टॉपिक आप याद कीजिए। जैसे कि हमसे खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं फीफा की जो वीडियो डली हुई है वो एक बार देखिएगा, 40 से 45 मिनट की है, और इससे बड़ी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें, ठीक है। देखिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तभी वीडियो बड़ी होगी, ठीक है। ओके, विद एमसीक्यूज भी हैं, देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2017 बेस्ट एक्टर अवार्ड किस ये दिया गया? तो शाहिद कपूर को दिया गया था, उड़ता पंजाब के लिए, ठीक है। किसके लिए? उड़ता पंजाब एक मूवी थी, ठीक है, उसके लिए दिया गया था, और शाहिद कपूर को मिला था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में लिए, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो अगर देखिए बताइए, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं समझा सकता हूँ, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को नीचे आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा उसको दबा दीजिए, और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा बेल का आइकन दबाने पे क्या होगा, मेरी इतनी वीडियोस होंगी वो आपको इजीली दिख पाएंगी जब मैं डालूंगा, और एक दो बार विजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पेज पर होम पेज पर दिखने लगेंगी। क्योंकि देखिए विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा, प्लेलिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा किस प्रकार की वीडियोज डली हुई हैं और क्या वीडियो डली हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं तो देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।